राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी। जी जी का, दिख रहा है, दिख रहा यह है डन। हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ, उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला, भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी से मान, राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसा बात ही बताया एक्सेप्ट आपने। कर रहे हैं। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़े जाके पूछेंगे। जहां बसता है दो देवियों का वास, वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, अच्छा भाई वहां के लोग क्या बोलूं, एकदम उंदा, उनके लिए शब्द नहीं है, अच्छा निःशब्द हो चुकी हूं मैं। हाँ इतना प्यार, इतना सम्मान। वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्कॉर्ट लगा था, वो भी इतनी सारी। रेप थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं राम लल्ला, देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में राम लल्ला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी के शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। मर्यादा में रहना, जितना तुम कम बोलोगे उतना सही रहेगा। खान पान में जितना तुम ज्यादा खाओगे, एक लिमिट में खाया जाता है, जिससे क्या है तुम्हारा शरीर खराब ना हो। कम बोलना चाहिए, ताकि कहीं गलत चीज ना बोल दो, जिससे आपको ही पलटवार सहना पड़े। तो राम जी से बहुत सब चीजें सीखने मिलती है, और मैं बहुत पोलाइट हो चुकी हूँ। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है। अच्छा हाँ, और हमारे हाँ जो मौलाना है वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं, ये अंतर मैंने देखा है। बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और जैसे कि आप सबके चेहरों पर एक चमक मैं देख सकती हूँ, जितना आप खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे शो पर मौजूद है मुस्लिम गर्ल शबनम शेख, जो कि यात्रा, पैदल यात्रा कर रही है राम मंदिर के लिए। और ये वाहिद मेरे ख्याल से भारत की पहली मुस्लिम महिला है, पहली मुस्लिम वो कम उम्र लड़की है जिन्होंने इतनी बड़ी जर्नी का आगाज किया, महाराष्ट्र से जी अयोध्या तक पैदल यात्रा राम मंदिर के लिए। सबसे पहले शबनम शेख, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शैला जी नमस्ते, जय श्री राम सभी को, आपके दर्शकों को। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आकर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शबनम। बहुत से सवालात हैं जो हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि एक मुस्लिम लड़की होने के नाते आपने राम मंदिर की पैदल यात्रा का सोचा। आज 22 जनवरी है, बहुत बड़ा दिन है, वो दिन आ गया है जिसमें तमाम सनातनी, तमाम मुसलमान राम मंदिर की जो सेरेमनी में इकट्ठे हो रहे हैं, और आप नहीं पहुंच पाए, तो क्या भावनाएं हैं इस वक्त, कैसा महसूस कर रही हैं आप? भाई सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान नहीं, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। और जबरदस्त। शायदा कि मैं सच्ची बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है, वहां जबरदस्त। का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है, और नवरात्रि मनाया है, बहुत सारी चीजें मैंने की है अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पे सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की राम जी से। उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई। देखिए, मैं महाराष्ट्र से निकली हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर अयोध्या है। मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है,
और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है, 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ, राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे, उनसे प्रेरणा मिली है। तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ, ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है, ये हौसला बढ़ाता है मेरा, राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। जबरदस्त शबनम, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे कि आपने अपनी यात्रा के आगाज में कह दिया था कि जरूरी नहीं है कि मैं 22 जनवरी को पहुंचूं, मैं जब भी पहुंचूं मेरे लिए वही दिन बड़ा खास होगा। तो आज बहुत ज्यादा आपको लोग मिस कर रहे हैं कि 22 जनवरी है लेकिन शबनम नहीं पहुंच पाई, तो क्या पैगाम देंगी? शायला मैं क्या बोलूं, मुझे इतना दुख है कि मैं नहीं पहुंच, इसका रीजन है मैं 22 जनवरी को क्यों नहीं पहुंच पा रही। जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई बहन है वो सड़कों पे निकल रहे, जहां पर उनके घरों से मैं गुजर रही हूँ, हाईवे टू हाईवे जा रही हूँ, लोग स्वागत कर रहे हैं, मेरा सत्कार कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में मैं बता रही हूँ, सनातनी भाइयों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, वो मेरे पैर छूते हैं, मेरे आशीर्वाद लेते हैं। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने पहना है भगवा चोला, वो मुझे भगवा चोला डालते हैं, बहुत पूजा करते हैं मेरी, मतलब मेरे आरती उतारते हैं, क्या मुझे इतना प्यार देते हैं। वो कहते हैं मुझे कि भाई मेरा जो राम राम दुआ सलाम है, भाई तुम श्री राम जी के चरणों में लेकर जाओ, हमारा भी जो एक पैगाम है वो राम जी तक पहुंचाओ। तो सबसे मिलते हुए जा रही हूँ मैं, तो 22 जनवरी को इसलिए मैं नहीं पहुंच रही हूँ, पहुंच नहीं पाई हूँ आज मैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुख है कि मैं नहीं पहुंच पाई, पर ये भी खुशी है कि भाई राम जी तो आ गए, है ना, उनका अंगना सज गया, दिवाली मना रहा है भारत, दोबारा दिवाली मना रहा है, नया साल का कोई हमें खुशी नहीं है, बस राम जी आ गए उसकी खुशी है हमें। तो इस बात की खुशी है कि राम जी आ गए, कभी भी पहुंचूंगी, और 10 दिन लगेंगे शायद ना मुझे, आज 32 डेज हो गए हैं, 10 दिन और ट्रेवल करना है मुझे, चलना है, उसके बाद मैं राम जी के चरणों में पहुंच जाऊंगी। अच्छा शबनम, क्या क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि हम एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि जैसे आपने कहा कि मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन मैं सनातनी भी हूँ, ये बात आपने बड़ी बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने दिया यहाँ पर, तो मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से आपको किस तरह के मैसेज, आपका परिवार है, फैमिली है, ननियाल भी होगा, ददियाल भी होगा, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं? आपका जो गुजर है वो ज़ारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी होता होगा, हिंदू कम्युनिटी तो बहुत प्यार कर रही है, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, मुसलमानों का क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा उसके बारे में भी ऑडियंस को बताएं। देखिए एज इट इज मुस्लिम विरोध करते हैं, आपको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज गलत लग रही है, लेकिन सारे मुस्लिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कट्टरपंथी मौलाना होते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। और देखिए राम जी की कृपा है मुझ पे, महाराष्ट्र से एमपी, एमपी से उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट को क्रॉस करके मैं पहुंचूंगी अयोध्या, तो मुझे प्रशासन की भी मदद है, जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं 3 स्टेट में बीजेपी की सरकार है और उन्होंने बहुत सहायता की, क्यों मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है पुलिस की, पता है यही कट्टरपंथी लोगों के वजह से, कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलाना है जो गलत बयानबाजी करते हैं, ये गलत कर रही है, ये ऐसा कर रही है, ये फलाना है, ये गुना है, ये हराम है, ऐसे से बोलते। भाई मैं बोलना चाहती हूँ कि किस हिसाब से ये हराम है, राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़े जाके पूछेंगे, उनकी पूज आदरणीय हमारे जो है पूजनीय आदरणीय राम जी है, उनको इस्लामिक कंट्री में तो हम नहीं पूछ सकते भाई, वहां पर तो उनके हिसाब से चलता है इस्लामिक लॉ, लेकिन हमारा जो भारत देश है ये एक संविधान से चलता है। शैला मैं एक बात बता दूं, ये जो कट्टरपंथी मौलाना है ये डबल फेस के, ये हमेशा हर चीज में बोलते हैं कि भाई भारत देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन उसी संविधान ने अधिकार दिया है हम हर एक भारतीय को कि हम अपने मर मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, हमें हिंदू धर्म पसंद है हम हिंदू धर्म को प्रेस कर सकते हैं, या घर वापसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते भाई, किसी भी रिलीजन में जा सकते, मंदिर हो कहीं भी हो, दरगाह हो, मस्जिद, हम जा सकते, लेकिन जब हम जाते हैं उस जगह पर
बिना मुस्लिम सनातनी मुस्लिमगण तो यही मौलाना विरोध करने आ जाते हैं। बाकी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा, लेकिन ये है सोशल मीडिया पे हेट मिल रहा है मुझे, रेप थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कहीं ना कहीं। रामलला, देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी के शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। जबरदस्त शबनम, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो शबनम जो के घर से निकली और आज जो शबनम जो के 32 दिन की पैदल यात्रा कर चुकी है राम जी के दर्शन के लिए, उसमें कितना फर्क आपको दिख रहा है? आज हम किस टाइप की शबनम से बात कर रहे हैं, आज की शबनम में क्या चेंज आया सनातन धर्म को फॉलो करते हुए? भाई मैं सच्ची बोल रही हूँ, 32 डेज हो गए मैं घर से बाहर हूँ। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत याद आती है उनकी, मतलब तो फिर एक बोलते हैं ना हमारे भारतीय सेना से, दुनिया की कोई भी सेना हो उनसे, भारतीय सेना से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं भाई, कि वो भी अपने देश के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बहुत दूर हो सकते हैं, मैं तो 32 दिन के बाद या 40 दिन या 50 दिन के बाद तो घर पहुंचूंगी, लेकिन वो सालों साल बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से हिम्मत मिलती है। तो उस जो मैं पहले मुंबई की शबनम थी, मुंबई से जब उससे पहले मैं जब रहती थी, जब निकली नहीं थी भाई, पैदल चलने का नामो निशान नहीं था, गाड़ी से आती जाती थी, कभी मैंने टेंट में नहीं सोया है, कभी बाहर नहीं सोई है, सर्दी का सामना नहीं किया है। ऑनेस्टली महाराष्ट्र का मुंबई का वेदर ऐसा है कि वहां पर हमेशा धूप निकलती है, मतलब गर्म गर्म मौसम है, एक जैसा मौसम है, लेकिन मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बड़ा ठंडी है, तो कभी उस चीज का सामना नहीं किया है। लेकिन राम जी से इतना अटैचमेंट है भाई, राम 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं, तो उनके लिए भाई हर चीज कुर्बान है। और आज आप ये फर्क देखिए कि राम जी हमें मर्यादा सिखाते हैं, मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि मैं दूर से दूर पैदल चल सकती हूँ, 35 से 30 किलोमीटर। अभी तो हमें गाड़ी क्या होती है वो समझ ही नहीं आता, वाहन का इस्तेमाल नहीं करते, मैं पैदल ही चलते हैं। राम जी से हमें सीखने मिलती है, सीखने ये मिलता है मर्यादा में रहना, जितना तुम कम बोलोगे उतना सही रहेगा, खान पान में जितना तुम ज्यादा खाओगे एक लिमिट में खाया जाता है, जिससे क्या है तुम्हारा शरीर खराब ना हो, कम बोलना चाहिए ताकि कहीं गलत चीज ना बोल दो जिससे आपको ही पलटवार सहना पड़े। तो राम जी से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है और मैं बहुत पोलाइट हो चुकी हूँ, कहीं ना कहीं नए नए लोग मिल रहे, नई नई भाषाएं मिल रही, और हमारा भारत देश ऐसा है शायला कि आप जितना अंदर घुसोगे उतना नया कल्चर मिलेगा। इस देश में बहुत सारे भाषाएं है, बहुत सारा वेशभूषा है, बहुत सारा खान पान है, बहुत चीजें सीखने मिल रही है। जबरदस्त शबनम, एक चीज है कि देखो एक 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 रूप हम ऐसा देखते हैं कम्युनिटी का जो कि मुसलमानों को मना करते हैं कि आप जो है मंदिरों में मत जाओ, ठीक है। आज हम एक ऐसी मुसलमान लड़की शबनम शेख जिसने हिजाब लिया हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस्लाम को, साथ साथ सनातन धर्म के साथ अपनी मोहब्बत जो है बांटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, जिस तरह आपने दो रिलीजन्स को आपस में कनेक्ट करने की जो कोशिश की है, इसका आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैं बोल तो रही हूँ जितने भी सनातनी भाई है भाई, घर घर निकल के स्वागत कर रहे। अभी मैं एक बात बोलू, अपने लाइफ में मैं एक जगह को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जहां बसता है दो देवियों का वास वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास भाई, वहां के लोग क्या बोलू, एकदम उंदा, उनके लिए शब्द नहीं है, निशब्द हो चुकी हूँ मैं। इतना प्यार, इतना सम्मान, वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्कॉट लगा था, वो भी इतनी सारी, इतने लोगों ने प्यार दिया। मैं कह रही हूँ ना, सनातन धर्म की एक खासियत है भाई, मैं हिजाब में हूँ, लेकिन वो इतनी, ऐसा नहीं कि भाई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हमारी बेटी है, हमारी दीदी है। मैं बता दूं भाई, महाराष्ट्र से लेके यूपी पहुंच गई हूँ, उनके जुबान पे बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, वो हमेशा मुझे दीदी ही बोलता है। ये है सनातन धर्म की खासियत। और आप कह रही ना हिजाब पहनी हूँ, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उतना ही प्यार मिल रहा। और मैं एक बता दूं, मैं उस स्टेट से आती हूँ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे महान वीर योद्धा जन्म लिए,
और उन्होंने हमारे पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट किया है, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। और उनका एक मानना था मुगलों से जब वो लड़े थे कि भाई नारी बुरखे में हो या साड़ी में हो, सम्मान उनको इक्वल मिलना चाहिए। और हमारे भारत देश के सनातनी भाई बहन लोग यही चीज को फॉलो करते हैं, मैं साड़ी में रहूं या बुरखे में रहूं उनको सम्मान उतना ही मिलेगा, चाहे मैं नहीं कोई भी मुसलमान महिला हो, कोई भी हिंदू महिला हो, उनके क्षेत्र से वो निकल रहा है उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी से मान, राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम शबनम शेख हो, हम तुम्हारा ऐसे ही वेलकम करेंगे, जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए हिंदू ही बनो। और मैंने ये भी पैगाम दिया सबको, राम सबके है, राम सब में है। क्या बात है, क्या बात है शबनम, आपने बड़ी अच्छी बात की कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अब अगर ये सवाल आज मैं आपसे पूछूं कि एक मुसलमान लड़के में और एक सनातनी लड़के में क्या फर्क आपको दिखा है, क्योंकि आप मुस्लिम परिवार से भी अभी आप यात्रा में बहुत से सनातनी आपका वेलकम कर रहे हैं, तो फर्क क्या दिखा आपको, किसने मुस्लिम लड़कों या हिंदू लड़कों में किस बात ने आपको बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया? देखिए, पहले मैं लड़कियों से बात करूंगी। भाई जो मुसलमान लड़की है, कहीं ना कहीं भारत के अंदर उनको फ्रीडम, फ्रीडम तो बहुत है भाई, संविधान ने हर किसी को फ्रीडम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियों को घर से उतना फ्रीडम नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो बंद है, कैद है, वो एक सोच में कैद है। जो मौलाना उन्हें दिमाग में जहर भरा है ना, वो कैद है भाई। कुरान की बातें अच्छी अच्छी बताओ, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बात है, आप उनको पढ़ाओ, उनकी जानकारी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी देना जरूरी है। जिस युग में हम जी रहे हैं, मॉडर्न युग है, कलयुग है, उसका भी ज्ञान दीजिए। मैं ऐसा बोलती हूँ मौलाना को, लेकिन मौलाना हमेशा 10 कदम पीछे जाके ही ज्ञान देते हैं। और एक मौलाना में, एक मंदिर के पंडित में ये अंतर है। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है, अच्छा। हाँ, और हमारे जो मौलाना है वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान खानदान से हूँ तो मौलानाओं से मैं मिली हूँ, उनकी बातें मुझे पता है। और अभी हिंदू पंडितों से मैं नहीं मिली थी, लेकिन मैं मंदिर भी जा रही तो उनसे मिलती हूँ, तो उनसे भी बातचीत होती है, तो दोनों की सोच थोड़ा सा समझ में आता है। अब मैं हिंदू महिलाओं की बात करूं, मुसलमान महिलाओं की बात करूं, भाई हिंदू महिलाएं बहुत आगे, सोच हर चीज में, पढ़ाई लिखाई में, उनकी सोच में, उनकी चीजों में, कर्ता धर्ता में बहुत आगे। मैं सिर्फ उनकी तारीफें कर रही हूँ भाई, बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, कोई भी हो, किसी भी एज की हो, आके पहले पैर छुएंगी दीदी करके, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगी, एक साथ इकट्ठा होके सारी महिलाएं हम कीर्तन भजन करते हैं, डांस करते हैं भजन पे, एक होता है ना राम जी के प्रति अपना भावना दिखाते हैं, भगवे रंग पे डांस कर लिया, भजनों पे डांस कर लिया, बहुत सारे हिस्से हैं, तो उनको बहुत फ्रीडम्स। और रही बात अभी मुसलमान मर्दों की और हिंदू मर्दों की, तो भाई सबसे पहले मैं हिंदू मर्दों की बात करूंगी, वो आते ही सबसे पहले दीदी बोलेंगे, पैर छुएंगे, नमस्ते करेंगे। अच्छा। उनका पहले ही देखा। और मैं हिंदू लोगों के घर में भी रही हूँ, कुछ लोग ये फैलाते कि भाई वो लोग ऊंचा नीचा जात देखते हैं, भाई मैं तो अलग ही धर्म से हूँ, मेरा तो ये देख लो, मैं अलग ही धर्म से बिलोंग करती हूँ, सर इंटरव्यू में, अलग ही धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, फिर भी वो अपने घर पे बिठा के खाली में खाना खिलाते, पूरा सम्मान मिलता है। और यही बोलूंगी कि भाई सेफ्टी, वो मुझे मेरे साथ पैदल 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल चलते जहाँ जंगल दुनिया पड़ता है। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो जब आपको इतना प्यार, इतना आपको सम्मान मिलता है, तो उस वक्त आपकी जो जज्बात होते हैं मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं इतने क्राउड में, तो आप मतलब अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस कर पाती है, क्योंकि समटाइम एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जहाँ पे अल्फाज हमें लगता है कि बस खत्म हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा मुझे मेरे लिए कहने को, सुनने को, बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है, मैं क्या बोलूं, सिर्फ मैं देखती रह जाती हूँ, भाई सच में इतना प्यार करते हैं हमसे। देखो भाई
हिंदू लोगों को क्या चाहिए, सनातनी भाई बहन को क्या चाहिए, आप उनके धर्म को रिस्पेक्ट करो, वो आपके लिए कुर्बान है, वो लिटरली बोल रही हूँ, आपके लिए वो जी जान लगा के हाजिर है वो हर सिचुएशन में। वही मैंने देखा भाई, मैंने सिर्फ एक संकल्प लेके निकली थी कि मेरे राम जी के दर्शन करना है, वीडियो वायरल हुई, प्रशासन ने साथ दिया, पुलिस प्रोटेक्शन दी, अब मैं निकली हूँ घर, जिस जिस जगह से जा रही हूँ वो मेरे साथ खड़े हुए, तो मेरे पास निशान हो जाती हूँ, राम जी का नाम लेके नारा लगाते हुए हम जाते हैं। और मैं बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, एक बार जय श्री राम बोल को देखो अच्छा लगेगा भाई। एक नॉर्मल शबनम शेख को इतना प्यार मिल रहा है, अगर आप हमारे धर्म, हमारे इस्लाम धर्म के धर्म गुरु है, अगर आप भी लोगों को जागरूक करेंगे दूसरे के धर्म के प्रति, तो भाई ये हिंदू भाई आपको सर आंखों पे बिठा लेंगे, लिटरली बोल रही सारे मौलानाओं को, जितना मुझे प्यार मिल रहा है ना आपको भी बहुत प्यार मिलेगा। बिल्कुल शबनम, मैं एग्री करूंगी, तमाम धर्मों का, तमाम रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार मोहब्बत की भाषा से ही दुनिया को कहते हैं ना मोटिवेट करना चाहिए। आखिरी सवाल शबनम आपसे पूछेंगे और प्रोग्राम का अख्तिताम भी करेंगे, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, सुबह आपको फिर से एक यात्रा के लिए निकलना है, पैदल यात्रा के, बहुत से लोगों से आपको मिलना है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप राम मंदिर पहुंच जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि शबनम आज तुम्हारी कोई एक विश हम पूरी करेंगे, तो वो उस टाइम शबनम की क्या विश होगी? भाई बस मुझे तो तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मेरे को सोचने का भी मौका नहीं दे रही हूँ। हाँ। ओ भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे पास ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन वो मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ। प्रशासन है हमारी देश की, जो प्रशासन है बड़ी सक्षम है, नरेंद्र मोदी जी से अगर अपील करूंगी और योगी जी से अपील करूंगी तो वो जाया नहीं करेंगे, बस उनसे एक अपील करूंगी कि भाई सेफ्टी चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर तो सेफ हूँ, मुंबई में जाऊंगी तो आप हमारा ऐसी जगह पर व्यवस्था करा दीजिए कि जहां पर मैं सेफ रहूं, सुरक्षित रहूं, बस यही चीज मैं उनसे मांगूंगी और कुछ। सेफ्टी फर्स्ट। आपको लगता है कि जब आप वापस लौट जाएंगे तो मुस्लिम समाज की तरफ से आपको थ्रेट्स मिल सकते हैं, मतलब अभी दिल में इस चीज का डर है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा डर है कहीं ना कहीं, मेरे को तो इतना नहीं है, राम जी साथ में है लेकिन माँ बाप को कहीं ना कहीं वो डर रहता है, लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन से भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि भाई मुंबई में कुछ तो करवा दीजिए हमारा, कि जहां पर मुझे सिक्योरिटी भी रहा, और ऐसी जगह पर व्यवस्था करा दीजिए जहां पर सनातनी भाई ज्यादा रहते हो, ताकि मैं अपने आप को सेफ फील कर सकूं, क्योंकि मेरे को सनातनी भाइयों के बीच में रहना अच्छा लगता है, उनका प्रभाव बचपन से रहा है, मैं चाहती हूँ हमेशा रहे, और आगे ऐसे ही मैं धर्म के लिए काम करूं। बोलते हैं ना अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी भी बाकी है, मथुरा में भी होगा मंदिर का निर्माण, कृष्ण भगवान जी विराजमान करेंगे तो वहां पर भी पैदल यात्रा करूंगी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है मथुरा, और काशी विश्वनाथ जो है वो भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां के लिए भी होगा, वहां पर भी जाऊंगी दर्शन के लिए पैदल यात्रा करूंगी। बहुत अच्छा लगा शबनम, बेस्ट विशेस आपकी इस जर्नी के लिए भी और आपकी आने वाली जर्नी के लिए भी, और मैं उन तमाम दोस्तों से यही कहूंगी कि शबनम की विश है सो काइंडली उसको मोटिवेट करें, ना कि जैसे उन्होंने बोला कि वापसी पे हो सकता है, क्योंकि शबनम को भी नहीं पता कल, किसने भी नहीं देखा, लेकिन सेफ्टी बहुत जरूरी है शबनम, मैं आपके इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि शबनम को वही कंफर्टेबल माहौल दिया जाए ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज है मजीद तमाम भारतीयों को देखने को मिले। और शबनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे लगता है कि शबनम ने दो धर्मों को कनेक्ट करने का काम किया है, एक पॉजिटिव मैसेज दिया और हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की जीत हो रही है, और शबनम जीतती जा रही है, हर दिन के साथ जीतती चली जा रही है, और पूरा भारत जी आज शबनम को जानता है, और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी। शबनम मेरे सब्सक्राइबर ने इतना 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 मुझे बोला कि आप कहती है कि शबनम आपकी दोस्त है, एक दफा शबनम से हमारी मुलाकात करवा दें। तो दोस्तों आपकी जो फेवरेट पर्सनालिटी थी हमारे शो पर आई, शबनम ने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की, आप बस इनको इसी तरह प्यार करते रहे, इनके चैनल को, शबनम शेख को जी सपोर्ट करते रहे, इनकी एक्टिविटीज को जी आगे बढ़ाते रहे, शेयर करते रहे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर कोई बात बुरी लगी हो क्षमा चाहते हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू शबनम, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।